लड़के खुद ही यूज करते हैं, बाद में दूसरा मर्द एक्सेप्ट नहीं करता तुम यूजेबल हो, तुम ये हो। खुद भी 1700 लड़कियों को यूज करके आए होते हैं मगर उन्हें ये बात। कैमरा बंद करो, कर लेते हैं, कैमरा बंद करो, करते हैं खबर तो खड़ी दो। किधर से आई हो? क्यों बताऊं? इधर खड़ी हो, मैं एक मिनट से पहले पुरुष बुलवा लूंगा, फेस ना लेकर आना यार। ए, आपको पता है इस पार्क किस नाम से मशहूर है? ये पार्क आपको पता है किस नाम से मशहूर? हाँ ये मेरा अड्डा है। आपका अड्डा? हाँ जी। झूठ ना बोलो, देखो पागल ना बनाओ मुझे, जो हकीकत है वो बताओ। लड़के ने मुझसे शादी का वादा किया था और उसने कुछ दिन मुझे इस्तेमाल किया और उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, लड़के ने शादी का वादा किया, लड़का कहाँ का था? हाँ जी, लड़का कहाँ का था? लड़का लाहौर का, और मेरी उससे बात हुई थी टिकटॉक पर। अच्छा, टिकटॉक का भूत सवार था। अच्छा, उसे फ्रेंडशिप हुई टिकटॉक पे? आज से कितनी देर पहले? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 एडिटिंग के साथ पैसे एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इस टाइम एक पार्क के बाहर मौजूद हूँ जो कहा जाता है कि, और इसके अंदर जो है सरेआम इधर जिस्म फरोशी हो रही होती है। तो आज हम जो हैं वो जाएंगे और अंदर जो कोई लड़का या लड़की इंशाल्लाह उसको जो है वो बेनकाब करने की भी कोशिश करेंगे। आ जाएं जी, चलते हैं, आ जाओ। आए सर, अस्सलाम वालेकुम। फोन साइड पे करो इसको। अस्सलाम वालेकुम, साइड पे करो, कैमरा बंद करो। कर लेते हैं, कैमरा बंद करो, करते हैं खबर तो खड़ी दो। किधर से आई हो? क्यों बताऊं? इधर कर क्या रही हैं? कैमरा बंद करो, मेरी मर्जी। मुझे तुम नहीं कहना, कैमरा बंद करो। बात करें, मैंने आपसे बदतमीजी की आपसे। तो मैं कब बदतमीजी कर रही हूं? मैं क्यों बताऊं? खड़ी हो, मैं एक मिनट से पहले पुरुष बुलवा लूंगा, फेस ना लेकर आना यार इसका, बैग लाओ। कहाँ से आई हो? कराची से। आराम से, इतनी आकड़ की चीज की आपने? किधर से आई हो? कराची से। इधर क्यों आई है? मेरी मर्जी। क्या मर्जी, क्यों? ये आपको पता है इस पार्क किस नाम से मशहूर है? ये पार्क आपको पता है किस नाम से मशहूर? हाँ ये मेरा अड्डा है। आपका अड्डा? हाँ जी। झूठ ना बोलो, देखो पागल ना बनाओ मुझे, जो हकीकत है वो बताओ। हकीकत तुम्हारा चेहरा, मैं अभी मास्क उतारूंगा, चेहरा दिखाऊंगा, फिर आवाम कहेगी जी आप लड़कियों के चेहरे दिखाते हैं, तो मैं इसलिए अभी तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा, तुम्हारी इज्जत रख रहा हूँ। मुझे बताओ कि इस पार्क में तुम्हें पता क्या होता है? क्या होता है? सही बताओ। नहीं ना पता पता क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। इधर क्या होता है आपको नहीं पता? इधर सरेआम गलत। कितने दिन से यहाँ रह रही? दो तीन दिन से। देखा, आहिस्ता आहिस्ता ही अपनी सारी असलियत बयान करेगी नाज़रीन। अच्छा मुझे बताओ इधर क्यों आई थी? क्यों आई थी? सही से बता। शुक में लड़के के पीछे आई थी, माँ बाप से लड़के आई थी क्यों? सही सही बताओ। देखो मैं तुम्हारा चेहरा तो नहीं दिखा रहा ना, सही सही, इसलिए मुझे सही सही बात करो जो बात। लड़के ने मुझसे शादी का वादा किया था और उसने कुछ दिन मुझे इस्तेमाल किया और उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, लड़के ने शादी का वादा किया, लड़का कहाँ का था? हाँ जी, लड़का कहाँ का था? लड़का लाहौर का, और मेरी उससे बात हुई थी टिकटॉक पर। अच्छा, टिकटॉक का भूत सवार था। अच्छा, उसे फ्रेंडशिप हुई टिकटॉक पे? आज से कितनी देर पहले? दो तीन मंथ पहले। ठीक है, दो तीन माह में नाजिन इसकी हरकतें चेक करें, दो तीन माह में टिकटॉक से फ्रेंडशिप हुई, चैट स्टार्ट हुई, और उसके बाद जनाब दो तीन माह में घर से भी भाग के आ गए। वो उम्र कितनी है तुम्हारी? 17 साल। माँ बाप ने कितनी देर पाला? 17 साल एक माँ बाप ने पाला। तुमने उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने वक्त जरा तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने मुझे कहा था मैं एक्सेप्ट करूंगा, अपने साथ रखूंगा, मैंने अपनी तालीम भी छोड़ दी और वो अब शादी नहीं कर रहा। लड़का कहाँ का था? लड़का लाहौर का ही है। लड़का लाहौर का था, लाहौर आई कराची से। हाल देख लें हमारी नौजवान नस्ल। अच्छा, लाहौर आई? हाँ जी। कितने दिन से लाहौर हो? 3-4 दिनों में। 3-4 दिनों में लड़का मिला? जी, मिलके यूज करता रहा फिर छोड़। लड़का मिला? हाँ जी। मिलकर को गलत हरकत की थी? अब घर जा सकते हो? नहीं, वापसी के रास्ते बंद है। नहीं, अगर चली भी जाओ किस मुंह से जाओगे? खुदा का खौफ है।
गलती हो गई। गलती हो गई ना? नहीं, मुझे एक बात बताओ, दो माँ के लड़के के पीछे लग के तुमने अपने 17 साल जिन माँ बाप ने पाला उन्हें छोड़ के आ गया। नाज़िम, ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं, और मैं इसका इसीलिए फेस नहीं लेके आ रहा कि इसके लिए मसला बनेगा। मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे माँ पापा से हम कांटेक्ट करके तुम्हें घर भेज दें, कैसे करेंगे? वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, मेरे पापा मुझे कत्ल कर देंगे। हरकतें तो आपकी इस तरह की हैं, लेकिन आहर नाज़रीन, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। मुझे बताओ, लड़का कितने दिन आपके साथ रहा? 3 दिन। 3 दिन लड़का रहा? हाँ, रहे होटल में। वही बात, लड़कों का इस बात से मैं लड़का हूं और लड़कों से यकीन करें, 3 दिन अपना उसने मकसद पूरा किया, इसको यूज किया, देन लीव। क्या कहूं मैं, ये प्रोग्राम करने का कुछ मकसद ये भी है, और ये प्रोग्राम एक बड़ा अच्छा मैसेज कन्वे हो रहा है। जो बेटियां बहनें अपने माँ बाप की 18-19 साल की तरबियत, 18-19 साल की परवरिश छोड़ देती हैं 1-2-3 महीने के लड़के के खातर, फिर उनका हाल इसी तरह होता है, फिर वो दरकों में खड़ी होती हैं। सही बताओ, इधर डिमांड्स होती हैं ना, लड़के आगे गलत बातें करते हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं? चलो हमारे साथ रूम में। गई हो? सही सही, झूठ नहीं, नहीं 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 गई अब? नहीं। खाना कहाँ से खाती? यहीं से। नहीं तो तुम्हें इधर डर, इधर सरेआम, तुम्हें पता ना इधर हो, अभी तक कोई ऐसी हरकत देखी है तुमने? सही से बता। हाँ जी देखी है ना, डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया? खौफ तो आता है, मगर अब क्या करूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। अच्छा, अगर कोई लड़का हमारे चैनल के जरिए तुमसे शादी करना चाहे तो कर लो, इज्जत बनाना चाहे फिर तो बन जाना चाहिए। कर तो लूंगी, लेकिन लड़के खुद ही यूज करते हैं, बाद में दूसरा मर्द एक्सेप्ट नहीं करता, तुम यूजेबल हो, तुम ये हो। खुद भी 1700 लड़कियों को यूज करके आए होते हैं, मगर उन्हें ये बात याद आ जाती है कि ये लड़की यूजेबल है। नाज़रीन, बच्ची है, गलती तो हो गई, माँ बाप तो आवाज से पहचानते होंगे, और अगर इसके माँ बाप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं एक एंकर आप लोगों के आगे हाथ जोड़ कर जो है एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बेटी को अपने पास वापस बुला लें। ठीक है, इंसान है, गलतियों का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन दरगुजर करना, हमारा अल्लाह, हमारे रब की ज़ात हमारे कितने गुनाहों को दरगुजर करती है, और आज हम चलते फिर रहे हैं, तो अगर हम छोटी सी गलती दरगुजर कर देंगे, पता नहीं अल्लाह कितना राज़ी होगा। लेकिन इस गुनाह का कफारा किया जो है वो नहीं, अभी तो यही हूँ, कफारा कैसे होगा? बस नाज़रीन, प्रोग्राम के लास्ट में मैं अपनी उन बहनों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ जो बड़े शौक से भाग के आती हैं, बड़े शौक से माँ बाप की 20 साल की तरबियत को पाँव मार के आती हैं, और फिर उनका अंजाम ये होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किस नए प्रोग्राम में, नए टॉपिक।